फूड। अमित जोगी को 6 दिन बाद हॉस्पिटल से आखिरकार जेल भेज दिया गया। दरअसल पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। उन्हें बालाजी अस्पताल में डिस्चार्ज कर पुलिस अभिरक्षा में पेंड्रा जेल भेज दिया गया है। अमित जोगी को 11 सितंबर की रात को बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, यूरिन रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रेडी की शिकायतें के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अमित जोगी ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, जो बातें निर्वाचन पत्र बी फॉर्म में नहीं पूछा जाता है उसको मैं क्यों लिखूंगा। यह एक सोजिश समझी षड्यंत्र है, बदलापुर की राजनीति है, इसलिए मुझे फंसाया गया है। इसके साथ ही अमित जोगी ने कहा कि जो पहले जो जोगरिया से ग्रसित थे वो अब रमेशिया रोग से ग्रसित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आग्रह पर मुझे डिस्चार्ज किया गया है। अगले एक सप्ताह तक लगभग मैं चल फिर नहीं पाऊंगा। मुझे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने और आराम करने का डॉक्टर द्वारा निर्देश दिया गया है। मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। जिन्होंने आधी अधूरी कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार मैं ओलंपिक भागने के लिए तैयार हूँ। अमित जोगी द्वारा एक ओर इसे सोजी समझी साजिश बताई जा रही है तो दूसरी ओर कोर्ट में मामला पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर।